हेलो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राम राम जी सभी को। कैसा है मेरा पूरा परिवार? आशा करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो देखिए, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं कर रही हूँ अपने मायके जाने की तैयारी। बहुत जल्दबाजी में सारे काम हो रहे हैं क्योंकि मायके जाने की जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। जब हमें मायके जाना होता है तब ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, लगता है जल्दी से बस घर पर पहुँच जाओ। बातों ही बातों में हो चुकी हूँ मैं तैयार। फटाफट से चूड़ियाँ पहन लेती हूँ और लगा लेती हूँ पैरों में रंग। आन्या को मैंने पहले ही तैयार कर दिया था। और हमारे यहाँ बिना रंग लगाए लड़की कहीं नहीं जाती है, जो जिन शादीशुदा लड़कियाँ होती हैं। किसी किसी के यहाँ ये नियम नहीं होता है, बट हमारे यहाँ तो है। कहीं पे भी जाओ रंग लगा के ही जाना पड़ता है। तो पैरों में रंग लगा लिया है मैंने और नेल पेंट भी लगानी है, काम सारे ही करने हैं, तो जल्दी से नेल पेंट भी लगा लेती हूँ। आ गए बाबू मेरे, भैया आ गए। सबसे पहले तो मैं ही खिलाऊंगी दूज। ये देखो, ये कीरा भैया। तो अपने जो दो भाई हैं, जो मुझे ससुराल में ही मिले हैं, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से भैया, तो पहले इनको दूज खिला देती हूँ क्योंकि फिर तो मैं चली जाऊंगी। तो मम्मी से मैंने इन्हें बुलवा लिया था घर पे ही, तो मैं और दीदी दोनों लोग ही खिलाते हैं। और ये रिलेशन में दीदी जो यानी जिठानी है, उनकी बुआ लगती हैं, तो बुआ के जो बच्चे होते हैं ना, वो भैया लगते हैं। इन लोगों की कोई बहनें हैं नहीं, तो बुआ ने खुद बोला था कि मेरे बच्चों को तुम लोग हर साल दूज खिलाना, राखी बांधना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए हम लोग अब हर साल खिलाएंगे। ससुराल में भैया मिले ऐसा सबको ऐसा नसीब सबका तो होता नहीं है। आन्या की तो मौसी भी हैं, नानी भी हैं, सारा कुछ है। तो देखिए, मैंने तो खिला दिया है दूज। और जो छोटा वाला है ना, वो इतना शैतान है कि टीका तो बिल्कुल करवाता ही नहीं है। ए बाबू, तो अगले दिन बाबू इधर आ, इधर ला मेरा बच्चा, एक पुच्ची कर दो। ओ पुच्ची कर दी, सबसे प्यारा मेरा भैया है, छोटा सा नटखट सा है ना, नटखट हो आप। और पैर नहीं छुए दीदी के, पैर नहीं छुए, छुओ पैर, छुओ दोनों पैर छुओ। और तो बोला हो जाए, इतने बड़े हो जाए। ए कहाँ गए? ए ए ए खाना नहीं खाओगे? मम्मी कहाँ है? दीदी भी तैयार हो गई हैं अपने घर जाने के लिए। हम मुलाकात होगी 2 से 3 दिन के बाद। जल्दी आ जाइए, हैं 3 दिन में आ जाऊंगी, 2-3 दिन में आ जाऊंगी। ठीक। और देखिए, जिठानी जी भी तैयार हैं अपने मायके जाने के लिए। वो अपने मायके जा रही हैं और मैं अपने मायके जा रही हूँ। ठीक है मम्मी, आ जाऊंगी 2-3 दिन में। ठीक। तो फाइनली मैं निकल चुकी हूँ। सबसे पहले ना मैं अपने गांव जाऊंगी, भैया मैं वहीं पे मिलेंगे, मतलब यहीं पे तिरवागढ़ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं भाई दूज खिलाऊंगी जाके अपने भाइयों को। उसके बाद हम लोग जाएंगे मामा के घर पे। ये चीज तो मैंने आपको बताई नहीं, मामा के घर पे भी जाना है मुझे। चलो आगे आगे बताऊंगी, वरना आप यहीं से ब्लॉग छोड़ के चले जाओगे। थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ाऊ ना कि मामा के घर पे क्यों जा रही हूँ मैं। हाँ, तो इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि क्या ही बताएं हम। भैया दूज है ना, तो सभी बहनें अपने भाइयों के पास जा रही हैं, भैया अपनी बहनों के पास जा रही हैं। जगह ही नहीं है निकलने की, पता नहीं कहाँ तक लगा हुआ है जाम। तो देखिए, भैया जो हैं वो आ चुके हैं, तो फटाफट से हम लोग निकल लेते हैं। ये चले गए हैं मुझे छोड़ के, इनके पास तो टाइम रहता नहीं है। मेरे भैया ही मुझे हर जगह लेके जाते हैं। पहुंच गई अपने घर पे। आन्या तो सो गई हमारी। बाबू तुम आन्या? तुम सो गए? अल्ले आ गए नानी घर पे आ गए। और यो बैग अंदर ही रखा। हाँ, सबसे पहले यही स्वागत करते यहाँ पे।
एंजल कहाँ है? गोवर्धन कहाँ है एंजल? भैया नमस्ते, कहाँ है एंजल? हाँ क्या हो गया बेटा? बाबू आज कोई बहन भी नहीं है, आज कोई बहन भी नहीं मेरी यहाँ पे। ज्योति गई अपना पेपर देने, लवली अपनी ससुराल चली गई। प्लीज आप लोग प्रे करिए कि मेरी एंजल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ऐसा मैंने एंजल को कभी नहीं देखा, 5 से 6 साल हो चुके हैं। तो देखिए चाची मिठाई दे गई थी तो मिठाई वगैरह खा लेती हूँ। अच्छे लग रहे नानी ने बनाया रसगुल्ला, खा लो। और ये देखिए मेरे भाई दूज की जो थाली है वो लग चुकी है, तो सबसे बड़े भैया को पहले खिलाऊंगी, प्रवीण दादा को खिला देती हूँ, उसके बाद अनवा भैया को, उसके बाद कृष्णा को। और अनुराग जो है वो मम्मी के साथ पहले ही मामा के घर पे जा चुका है, तो उसको मामा के घर पे जाके ही मैं खिलाऊंगी। और इस बार मेरी दोनों बहनें नहीं हैं यहाँ पे, एक्चुअली लवली जो है वो तो अपने ससुराल में है और ज्योति की है एग्ज़ाम, तो वो गई है अपना एग्ज़ाम देने के लिए, तो इसीलिए मैं बहनों से तो नहीं मिल पाई हूँ, लेकिन भैया तो मुझे सारे मिल चुके हैं। तुम अपने कपड़ा लिए लिए घूम रहे, नानी घर में आते ही उसने ढूंढ लिए। दिखा दिखा देखो अन्य के खिलौने, छोटे छोटे से कपड़े पकड़ो। और ये मेरी चाची जो है वो चाय लेके आ गई हैं, तो चाय पीते हैं उसके बाद हमें निकलना भी है। अन्य तुम नहीं जाओगी? तो हम जा रहे ठीक, तुम नानी घर पे रहो। अन्य कह रहे हम नानी घर पे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। चलो हम जा रहे ठीक, बाय। उसे एकदम लगाव हो गया यहाँ पे बहुत ज्यादा। बाय कर दो नानी से। बाय बाय कर दे। तो हम लोग फरुखाबाद के लिए जो है वो निकल चुके हैं। 1 घंटा लग जाएगा पहुंचने में, ट्रैफिक अगर मिला तो ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक हर किसी को मिल रहा है, क्योंकि भीड़ है ना भाई दूज की वजह से। आपने देखा कितना ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, पूरा 1 घंटा हो चुका है हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ये चीज हमें पहले ही पता थी कि यार ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलने वाला है, पीछे पूरा लगा हुआ है, आगे ना जाने कहां तक। अभी थोड़ा थोड़ा गाड़ियां आगे जा रही हैं, इतनी देर से तो कंटिन्यू मैं फोन ही चलाए जा रही हूँ, बैठ खड़े ही है हम लोग। फाइनली ट्रैफिक जो है वो खत्म हो गया है। अभी देखो कितनी देर और लगे यहाँ से जाने में, आगे ट्रैफिक ना मिले तो ज्यादा बढ़िया है। हम लोग पहुंच चुके हैं मामा के घर पे। सो फाइनली मामा के घर पे मैं पहुंच चुकी हूँ, और अभी आए हैं हम लोग छत पे। सबसे मिलवाती हूँ, ये है मामा की छोटी बेटी वैष्णवी, और बड़ी बेटी से मिलवाती हूँ, ये है स्वीटी बड़ी वाली बेटी, और इनसे भी बड़ी वाली दीदी से मिलवाती हूँ, ये है बड़े वाले मामा की बेटी रमा दीदी। अगर इनके भाई बहनों से मिलवा लगे तो बस ये 3 ही लोग हैं, बाकी सारी मामी जो है ना वो नीचे है, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो हम लोग ना छत पे आ गए थे। आन्या जहाँ पे भी जाती है ना अपनी मौसी की दीवानी हो जाती है, मौसी के साथ ऐसे खेल रही है जबकि फर्स्ट टाइम मिली है, पहले कभी मिली होगी बट वो ऐसे खेल रही है जैसे रोज मिलती हो। फंक्शन है ना वो देखो यहाँ पे होने वाला है, पूरी रात फंक्शन चलेगा, तो पूरी रात हम लोगों को जागना पड़ेगा। तो स्वीटी जो है वो नीचे चली गई है, मैं और वैष्णवी कर रहे हैं बातें, क्योंकि हम दोनों की कुछ मैच करता है ना कुछ चीजें, इसलिए हम दोनों बातें कर रहे हैं। इसको भी वीडियोस बनाने का शौक है और मुझे भी वीडियोस बनाने का शौक है, हम दोनों एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं। और मैं इसको बोल रही हूँ कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो, तुम भी तो बोल रही है हाँ स्टार्ट करूंगी। अब अपने जैसा किसी को बना लूंगी ना तो मुझे थोड़ा फायदा होगा फ्यूचर में, है ना वैष्णवी? वो तो मेरे को वैसे ही बनाना था, है ना पसंद है। पहला कोई मुझे मिला है जिसको ब्लॉग बनाना पसंद है। वैसे ये ना अभी इसका फर्स्ट ईयर है कॉलेज में, क्या कर रही हो? जर्नलिज्म ही कर रही हूँ मैं, मतलब इसमें ब्लॉगिंग टाइप सब आ जाता है ना, कम्युनिकेट करना सबसे, इसलिए सही है मेरी बहन।
मैंने सोचा था स्टार्ट करूंगी फिर आज दिन ने स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने बाबा और कहते कि हाँ बराबर। मामा को बहुत अच्छा लगा जब मम्मी बताने, जब मेरा वो आया था क्या आया था पिन कार्ड पिन आया था मेरा, हाँ पापा बहुत खुश हुए। मैंने फर्स्ट व्लॉग डाला ना अपना जैसे इंट्रोडक्शन वाला, उसमें भी पापा ने बोला हाँ बहुत बढ़िया बहुत खुश है पापा भी बोल लेती है। मामा को बहुत अच्छा लगता है, मैं करती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि अपने काम से किसी को खुशी मिल रही है ना तो बहुत अच्छा लगता है। आपके व्लॉग में जब वो वाला व्लॉग नहीं था जब घर में गाँव में वो हुआ था तो उसमें पापा आए थे, पापा कहते पापा को व्लॉग दिखा पापा अरे पापा बड़े खुश है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके वाकई में, अभी रात को तो बहुत और भी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। अन्या ओ अन्नू ये पता कौन है, ये मेरी नानी है, ये मेरी भी नानी है, आपने नमस्ते करी है, आपको भी नानी बोलेगी है ना, नमस्ते करी आपने नानी से, और एक ये मेरी नानी है देखो नहीं करी नमस्ते हैं। अनुराग को भाई को सबसे ज्यादा लेट खिलाई इस बार मैंने, भूल गई लेकिन प्लेट रख के तो खाना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हम लोग मान्य है ना तो हम लोग पहले खाएंगे। तो देखिए खाने में सैलेड है, दो 6-7 प्रकार का सैलेड था, और ये है छोले की सब्जी, ये है बूंदी का रायता। तो जो भी मेरी पसंदीदा चीज़ें हैं ना मैं सिर्फ वो लूँगी। तो बूंदी का रायता जो है वो तो देखने में बहुत टेस्टी लग रहा था, और ये है मिक्स वेज, तो मिक्स वेज ले लेती हूँ। मुझे ना पता नहीं क्यों आजकल पनीर जो है वो समझ में नहीं आ रहा, तो पनीर भी था वो नहीं चलो अंदर मैंने, और ये पूड़ियाँ ली थी, और ले ली है मैंने कचौड़ी, बस इतना ही लूँगी। रसगुल्ले खाने का तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था। ये पंकज मामा का बेटा है, ये आश क्या नाम आशु ऋषभ, कहाँ थे तुम इतनी देर से, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी हैं। हेलो तुम वो नहीं आए तुमसे छोटा वाला, हाँ ये मामा के बेटे हैं दोनों, पिंकू मामा का बेटा है, ये पंकज मामा का बेटा है। कुछ बोल दिया करो, वीडियो बना रही तुम्हारा, अभी इतने छोटे हो फिर भी शर्माते हो। तो फंक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, और हम लोग भी बस जा ही रहे हैं, और खाना पीना जो है वो तो हमारा हो ही चुका है, एक बार फिर से खा लेंगे अगर भूख लगी तो। तो फिलहाल ये वीडियो ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो बस आगे से स्टार्ट करूँगी मैं, तो वो ब्लॉग में आपको आराम से सारी चीज़ें अच्छे से दिखाऊंगी, क्योंकि ये ब्लॉग सुबह से कंटिन्यू कर रही है तो लंबा हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, प्यारा सा कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, राम राम जी।